आज हमारा क्वेश्चन है एलिबरेट, हमें इसको एलिबरेट करना मतलब हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। कितना हमारा, हम इसको फैक्टर मेथड से करेंगे, क्या डिवीजन मेथड से करेंगे। तो अब हम इसको अगर डिवीजन मेथड से करेंगे कितना है, 20, 24, 92 और 9। तो हम क्या करें, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पीछे से क्या करेंगे, पेयरिंग करते हैं दो दो, क्योंकि स्क्वायर रूट दो का पेयर होता है, जैसे 2 × 2 तो क्या 4 का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये पेयरिंग होती है, ठीक है। अब ये हमारे सिंगल बच रहा, अब मुझे किसका स्क्वायर होगा, ये तो ये तो 1 का होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो किसका होगा, 1 का होगा, चाहे हम यहाँ लिख दें किसका होगा, 1 टाइम जाएगा तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गए 1, ये वाला 1 यहाँ प्लस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 हो गए। अब हम पेयरिंग उतारेंगे नीचे, एक एक करके नहीं होगा, डिवाइड नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर होता, तो 102 आएगा, ठीक है। अब मैं कौन सा नंबर लिखूँ, देखो अगर मैं जैसे यहाँ 2 लिखूँ तो 2 2 जा 4, 2 जा 4 बहुत छोटा हो रहा, तो हम कितना लिखेंगे, हम 4 देखते, 4 4 जा 6, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 19, तो 109 हमारे जब 4 टाइम गए तो 96, 12 में से 6 गए 6, ठीक है। यहाँ बचा 9 और ये 0 हो गए फिर, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा पेयर बचा है, ये वाला पेयर है, तो ये पूरा पेयर कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। कितने का टाइम दिया मैंने, 4 टाइम दिया, तो वो 4 प्लस भी होता है, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है, 8 हो जाएगा, ये 28 हो गए। अब हमारा 649 हो रहा। अब 6 ऐसा कोई नंबर हमें देखना है जिसका स्क्वायर का कितना है, इतना आ जाए। तो देखो 2 8, अगर 2 टाइम देखूँ मैं तो 2, तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 = 5, ठीक है। अगर मैं 3 टाइम देखूँ तो आई थिंक 3 9, 8 3 जा 24 और 6 7, तो बड़ा हो रहा। तो हमारा कितना टाइम जा रहा, 2 टाइम जा रहा, कितना आ रहा हमारा, 5 6 4 आ रहा, ठीक है, जब हमने कितना 2 टाइम दिया। तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा यहाँ 14, 14 में 6 गया 8 और यहाँ तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 1 यहाँ चलेगी कैरी, 85। अब हमारा 2 9 भी उतरेगा, लेकिन हमने कितना, ये 2 यहाँ प्लस भी हो जाएगा, तो 4 8 2। अब मुझे लास्ट में हम 9 देख रहे हैं, तो एक बार हम 3 से देखते हैं कितना है, 2 8 4 3 से देखते हैं, 3 3 3 जा 9 है, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 1 4 जा 25 और 3 2 जा 6 और 2 84, पूरा पूरा जा रहा है। इसमें यहाँ पे जब हम 3 लिखेंगे तो हमारा पूरा कितना जा, 8 5 2 9। अब हमारे पास कुछ भी नहीं, इट मीन्स हमको पता लग गया 2 0 2 4 9 2 9 किसका स्क्वायर रूट है, 1 4 2 3 का है, कितने का है, 1 4 2 3 मतलब 1423 का है, ओके।